तो आज की क्लास में हम पावर पॉइंट का असाइनमेंट नंबर 1 करने जा रहे हैं, जिसमें हमको करना क्या है। यहाँ क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्रिएट करना है जिसमें 10 स्लाइड होनी है, ठीक है। और उसमें से एक स्लाइड जो है कंपैरिजन और एक जो है चार्ट को डिस्प्ले करने वाली होनी है। सिंपल सा असाइनमेंट है, तो इसके स्टेप्स भी आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे कि पहले 10 स्लाइड बनाना है और कंपैरिजन की स्लाइड आप कैसे बना सकते हो, यहाँ पर दिख रहा है। चलिए इसको बना के देखते हैं। पावर पॉइंट ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर 10 स्लाइड्स बनानी है, तो क्या करोगे, होम पर जाना है, यहाँ पर ब्लैंक स्लाइड, ये 2 स्लाइड हो गई, ऐसी कितनी स्लाइड बनाना है, 10। 3 बन गई, 4, 5, 6, 7, 8। और 2 स्लाइड क्या बोला है, एक कंपैरिजन वाली स्लाइड होनी है, ये वाली, और दूसरी जो है आपको चार्ट को डिस्प्ले करने वाली होनी है। तो ये जो कंपैरिजन वाली जो स्लाइड बनाई है और दूसरी स्लाइड जो है इसको हम बना लेते हैं ब्लैंक, या फिर ब्लैंक में हम चार्ट ले आ लेंगे, ठीक है। तो ये जो कंपैरिजन वाली स्लाइड होती है इसमें 2 हिस्से होते हैं, दोनों साइड में हमको कंपेयर करना होता है। तो पहला वाला जो कंपैरिजन है वो कैसे करेंगे, चार्ट से करते हैं। चार्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर कुछ भी डेटा आप दे दो, जैसे मैं यहाँ लिखा BCA1, BCA2, 3 सब्जेक्ट के नाम मैंने लिख दिए, और यहाँ पर सब्जेक्ट का नाम लिख देते हैं CBB और DBMS। इसमें नंबर दे देते हैं, BCA1 में 10, 20, 30, 30, क्लियर। तो ऐसा करने से एक साइड पर यहाँ पर आपका चार्ट बन गया है। सेकेंड साइड में भी हमको चार्ट बनाना है। देखो आप यहाँ पर टेबल बना सकते हो, चार्ट बना सकते हो, स्मार्ट चार्ट बना सकते हो, कुछ भी चीज बना सकते हो। चार्ट में गए, यहाँ पर डेटा ओपन हुआ, सेम वैसे ही आपको करना है, BCA1 कंपेयर करना है ना। सेम मैंने डेटा तैयार कर लिया है, सेम फॉर्मेट, और यहाँ पर मैं लिखूंगा, डेटा चेंज कर दे रहा हूँ। इसको बंद कर दीजिए। अब आपको यहाँ पर कंपैरिजन दिख रहा होगा कि BCA1 का जो ये वाला जो ईयर था इसमें क्या डेटा है ब्लू वाला, और इसमें क्या है। अब दोनों साल का डेटा यहाँ पर क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो, क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको चार्ट बनाना है, तो दूसरे में क्या करना है, आपको इंसर्ट में जाओगे, चार्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर, सेम आपको यहाँ पर चार्ट बनाने के लिए डेटा फिल करना है और चार्ट आपका बन जाएगा, क्लियर है। तो ये था आपका असाइनमेंट नंबर 1।